साया का काम आता ही है भाई, हमारे लेकिन कोई नहीं आता, वो अलग बात है। स्मृति से भाई हमारी हरकतें ही ऐसी एक मुंह नहीं करने को राजी। नहीं तो भाई आप इंडिया में इतने भी आप नहीं, मतलब कि इतना भी आपकी तरफ वो नहीं बोलते, नेगेटिव सोचते। अगर आप बच्चे अच्छे तरीके से ट्रीट करें तो आपके ऐसी सहूलतें ले सकती हैं और आपको एक आपका मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल सकता है। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उस वीडियो से हम समझेंगे कि अमेरिका यूपीआई टेक्नोलॉजी से क्यों डरता है और ये जो यूपीआई टेक है हमारे इंडिया के पास वो उसकी क्विक हिस्ट्री भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। आजादी के बाद से सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यूपीआई, नाम याद रखना। ये वो टैक है जिससे अमेरिका बुरी तरह डरा हुआ है। ये वो टैक है जिसकी वजह से भारत का फाइनेंशियल वर्ल्ड में डंका बजने वाला है। हमारे डिजिटल इंडिया का ये इनिशिएटिव किस प्रकार से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी को भी टक्कर देगा? यूपीआई आखिर है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी वजह से क्यों भारत का नाम हो रहा है यूपीआई? यूपीआई अमेरिका डर क्यों रहा है, वीजा मास्टर कार्ड से हर क्यों भारत हो रही है, जानेंगे इस वीडियो में आम आदमी की आम भाषा में। ये चैनल आम आदमी के लिए है। बिजनेस और फाइनेंस इकोनॉमिक्स इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। यूपीआई आखिर है क्या? सर यूपीआई एक तरह का पेमेंट मेथड है। आप बोलोगे सर आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, ये सब थे तो सही, यूपीआई की जरूरत क्यों हुई? देखो सर हर सिस्टम में जरूरत के हिसाब से लाया गया। सबसे पहले आरबीआई सन 2000 में लाया कि जिस भी व्यक्ति को 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करना है उसको ट्रांसफर करना है इमीडिएटली, उसके लिए लेके आया आरटीजीएस। लेकिन फिर लोगों ने कहा सर 2 लाख से कम नीचे करना है उसका क्या करें, तो आरबीआई ने कहा इनका भी कुछ करना पड़ेगा, तो उनके लिए लेके आया एनईएफटी कि 2 लाख से कम का पेमेंट करना है तो कर दो, लेकिन 2 लाख से कम का पेमेंट कोई 10,000 कर रहा है, कोई 5,000 कर रहा है, तो ये क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करो हम है ना इसको 30-30 मिनट के बैच में करेंगे, तो 2 लाख से नीचे का पेमेंट होगा लेकिन एक बार में रिचार्ज डायरेक्ट नहीं होगा, 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर जनता की मांग उठी कि सर 2 लाख से कम भी करना है, आधा घंटा वेट भी नहीं करना, जल्दी से करना है, तो आरबीआई बोली भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने 2008 में एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ करो, तो उन्होंने कहा यार मैं 2010 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आईएमपीएस। उन्होंने कहा जो मोबाइल में इनकी सिम है इसको बना लेंगे बेस, इसके बेसिस पे लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आईएमपीएस आने के बाद से अब अपने मोबाइल की मदद से तुरंत 2 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और फटाफट कर सकते हैं। तो आप बोले सर जब सारी सुविधा होगी तो फिर क्या जरूरत? सर इसमें लिमिटेशन थी, एक आप मर्चेंट को पेमेंट नहीं कर सकते थे, इस तरह का पेमेंट तो कर रहे हो जैसे अभी करते हो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, वो तो नहीं कर सकते थे, स्कैनिंग वाली सुविधा तो थी नहीं। दूसरा ये सब करने से पहले बेनिफिशियरी भी ऐड करना पड़ता है, उसमें आधे एक घंटे का टाइम लग जाता है। तो बोला फिर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें बेनिफिशियरी की जरूरत नहीं हो और ये जो मर्चेंट है दुकान पे किराने पे कपड़े जूते करने की व्यवस्था हो जाए। तो यही जो एनपीसीआई बना था 2008 में जिसने आईएमपीएस था, इसने आईएमपीएस का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया जिसको हम जानते हैं यूपीआई के नाम से। इसको ब्रेन चाइल्ड माना जाता है कि इसको रघुराम राजन और दिलीप आसपे करके दोनों का ब्रेन चाइल्ड है, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया था। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग यह है कि इसमें आईएमपीएस का अपग्रेडेड वर्जन है, सारी चीजें वही है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया एक वर्चुअल आईडी बना दी जिसको तुम्हारी यूपीआई आईडी कहते हो। उस आईडी के माध्यम से तुम किसी भी व्यक्ति को तुरंत पेमेंट कर सकते हो, 24/7 कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा और मर्चेंट बैंकर किसी को 10 रुपए का या 5 रुपए का आराम से कर सकते हो। अब सर यूपीआई का लॉन्च हुआ 2016 में और 2022 में तो ताबड़तोड़ है, इंडिया डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्ल्ड में नंबर वन हो गया, महीने में 100 मिलियन से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने लग गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यूपीआई की वजह से। और यूपीआई इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि देखो पहली बार 24/7 चलता था, फटाफट पेमेंट करता था, पैसे लग नहीं रहे थे, इसमें फीचर था इंटर ऑपरेबिलिटी। ये क्या होता है सर, आपके पास अगर पेटीएम है तो आप पेटीएम वाले को पेमेंट कर सकते थे पहले। अब मान लो आप पेटीएम लेके घूम रहे हो, दुकानदार ने जीपे लगा रखा है, अब क्या करोगे? तो इसमें इंटरऑपरेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भाई साहब चाहे पेटीएम लेके आओ, मेरे पास चाहे गूगल पे हो, तीसरे भाई से चाहे फोन पे हो, आपस में आराम से ट्रांजेक्शन हो जाएगा और एक भी रुपया नहीं लगेगा। अच्छा दूसरा देखा जाए तो इसकी किस्मत में ही फैलना था, इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो शायद प्लान नहीं थी, लेकिन इसको बेनिफिट बहुत फटाफट मिला। ये 2016 में लॉन्च हुआ, इसके थोड़ी देर बाद अगस्त 2016 में फोन पे ने इसको कहा कि मैं यूपीआई कनेक्ट कर लेता हूं। सितंबर 2016 में जियो आ गया, सबके हाथ में इंटरनेट दे दिया, सबके पास इंटरनेट हो गया,
गया, इसमें और बूस्ट मिला। नवंबर 16 में सबसे बड़ा बूस्ट डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, वही आप तो ऑप्शन ही एक रह गया, तो इससे और बूस्ट मिला। यूपीआई को फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग चीज क्या की, गवर्नमेंट ने कहा हमारे भरोसे करेंगे, पता नहीं क्या फैलेगा नहीं फैलेगा, भाई साहब पूरी ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया कि तुम आराम से यूपीआई काम करो, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले फोन पे को अलाउ किया। सितंबर 2017 में तेज आया, तेज नाम सुना आपने, कभी ना कभी यूज भी लिया होगा, जिसका नाम बदल के अब जीपे हो गया गूगल पे। उन्होंने गूगल को कहा तुम काम में लो, अब गूगल इतनी बड़ी जायंट कंपनी, दुनिया भर के पैसे, दुनिया भर की मार्केटिंग, खूब दबा के खुल के प्रचार किया, इसलिए यूपीआई फैल गया। नवंबर 17 में पेटीएम बोला मैं भी ले लू, भाई तू भी ले ले। तो यूपीआई ने क्या किया, सारी कंपनियों को आराम से काम में लो। तो जब एक पहले तो गवर्नमेंट प्रचार करती, और ये सारी कंपनियां मिलकर प्रचार कर रही है, यूज करने में आसान है, फ्री और है, तो भाई साहब फैलना ही था। इसके फैलने की सीमा देखो, यूपीआई के डेली 22 करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं, और पर मंथ जो इसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ से ज्यादा की है। कोई बात ऐसी है, यूपीआई तो फैल गया, फल गया, फूल गया, मजा आ गया उसको। अब आप बोलोगे राहुल जी चलो यूपीआई हमने लॉन्च किया, हम काम में ले रहे हैं, अमेरिका की बैठे बैठे क्यों चल रही है, इसका कारण अमेरिका फाइनेंशियल वर्ल्ड का शुरुआत से किंग रहा है, ये आप सबको पता है, क्योंकि इसकी करेंसी डॉलर है, जिसका दबदबा है। अच्छा कई टेक्नोलॉजी है, जैसे स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, ये इसके पास इंटरनेशनल पेमेंट करना हो तो ये काम में लेता है। तो हमेशा फाइनेंशियल पॉलिसी की बात करो, चाहे आईटी की बात करो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करो, इसका दबदबा हमेशा से रहा। अब ये कह रहा है कि यार भारत जैसा डेवलपिंग कंट्री जो कल को नया नया पैदा हुआ है, ये देश ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया जो हमारे पास भी नहीं है, और चल लेके आया है कोई बात नहीं, आराम से लेके आया, इसको यूज करो, पर मान नहीं रहा इंडिया। इसने नई कंपनी बना दी, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और इस कंपनी का उद्देश्य क्या है, इस कंपनी का उद्देश्य यूपीआई सिस्टम को पूरे विश्व में अप्लाई करवाना, सबसे पहले भूटान में लागू हो रहा है, दुबई में लागू हो रहा है, सिंगापुर में लागू हो रहा है, और 10 कंट्रियां ऐसी है जिन्होंने भी इच्छा जाहिर कर दी है। वो कंट्रियां मेजरली तो भी एशिया की है, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ये सारी कंपनियां। तो आप नोटिस करो, अभी अमेरिका तो हमको एंट्री देगा नहीं, यूरोप में भी आसानी से एंट्री होगी, लेकिन धीरे धीरे एशियन कंट्रीज में हम छाने लग गए हैं, जापान ने भी इंटरेस्ट दिखाया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, फ्रांस ने भी इंटरेस्ट दिखाया, फ्रांस ने इंटरेस्ट दिखाया, वो वाला एग्रीमेंट हो गया और वहां इंप्लीमेंट हो गया, तो हमको मिल जाएगी यूरोपियन यूनियन में एंट्री, और फिर वहां पे और घुस जाएंगे। अमेरिका तो आसानी से घुसने नहीं देगा, और यूपीआई का दबदबा होने लग गया है। इसकी दीवानगी ऐसे मान लो कि गूगल ने US गवर्नमेंट को लेटर लिख के बोला कि यूपीआई का मस्त सिस्टम है यार, अपन भी डेवलप करो, अमेरिका को भारत से सीखो, इसका हमको क्या फायदा होगा। मान लो फ्रांस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और अगली बार आप फ्रांस गए, पेरिस घूमने गए, वहां पे आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है ना। और आपको फॉरेक्स कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मोबाइल लेके जाओ, यूपीआई से ट्रांजेक्शन करो, इससे एक और फायदा एनवायरमेंट क्यों सर, साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा नोट को छापने और मेंटेन करने में आ जाता है, क्योंकि नोट में क्या होता है, कई बार नोट फट गए, कई बार नोट गल गए, या फिर किसी ने नोट पे लिख दिया सोनम गुप्ता बेवफा है, तो नोट खराब हो गया, तो इन नोटों को बदलने में मेंटेन करने में भैया बहुत पैसा लगता है, यूपीआई जाएगा तो इन नोटों की छपाई कम हो जाएगी, तो कॉस्टिंग बचेगी, तो वो कॉस्टिंग जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने में काम आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी वीजा और मास्टर कार्ड क्यों चिड़े हुए हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट का तो समझ में आता है कि इज्जत की बात हो गई, वीजा मास्टर कार्ड इसलिए चढ़े हुए हैं, आपको पुराने जमाने में लेके चलता हूँ, पहले नए नए एटीएम खुलने लगे, आपके पास अगर आईसीआईसी बैंक का एटीएम है तो भाई साहब आपको आईसीआईसी के एटीएम में ही जाना पड़ेगा, वहीं से पैसा निकलेगा, आप एचडीएफसी से निकाल नहीं सकते। ऐसा क्यों होता था, आईसीआईसी वाला कह रहा है कि भैया मेरा एचडीएफसी से लड़ाई चल रही है, कॉम्पिटिशन है, कि मेरा जो डेटा है वो मैं एचडीएफसी को थोड़ी दूंगा जाके, तू ही निकालेगा। तो वीजा और मास्टर कार्ड नेटवर्क कंपनियां, ये कंपनी आके बोली तुम टेंशन मत लो, हम तुमको सपोर्ट देते, तुम हमको थोड़े से चार्ज दे देना, थोड़े से पैसे दे देना, हम ये फैसिलिटी दे देंगे कि हम पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे और हम ही पेमेंट कर देंगे, तुम किसी भी कार्ड जाके काम में लो। इस बात के जो पैसे लेते हैं उसको कहते हैं MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये 1% से लेके 3% तक होता है। आप शॉपिंग करने जाओ तो दुकानदार बोलता है भैया चार्ज लगेगा, कई बार दुकानदार ऊपर से चार्ज लेता है, जो दुकानदार नहीं लेते उनकी जेब से 2% का चार्ज लग जाता है। तो ये जो MDR है ये यूपीआई में शून्य है, तो दुकानदार क्या बोल रहा है यार कार्ड से पेमेंट मत करो, 2% लग जाएगा, आप तो यूपीआई मार दो। तो धीरे धीरे वीजा और मास्टर कार्ड का डोमिनेंस कम हो रहा है, और इंडिया में कम होता तो ठीक है भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में जाके तैयारी कर ली है, तो इसलिए इन दोनों कंपनियां डरी हुई है।
अब बोलोगे सर जी यूपीआई ने तो बहुत सुविधा कर दी, मजा आ गए सर, सुविधा तो अब करेगी आरबीआई, पूरी तैयारी लेके बैठा है। अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में तीन बेनिफिट बताए कि तीन नए फीचर हम यूपीआई में लॉन्च कर रहे हैं। पहला फीचर, यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करेंगे। अभी तक तो क्या चीज है, आपका जो भी यूपीआई की आईडी है वो आपके डेबिट कार्ड से लिंक है, यानी जो पैसे आपकी जेब में पड़े हैं, जो आपके खाते में पड़े हैं, उसी में से ट्रांसफर होता है, उसी से पेमेंट होता है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा, क्रेडिट कार्ड से भी होने लग जाएगा। ये वीडियो बनाते टाइम ये चीज लागू हो चुकी है, अभी फैलने में थोड़ा टाइम लेगी पर लागू कर दी। दूसरा फीचर जो यूपीआई लॉन्च कर रहा है वो है यूपीआई लाइट, कि तुम बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हो। तुम घर से बैठे में पैसे लेके चलते हो, ये कहता है यूपीआई लाइट है। इसमें 2000 रुपए तुम और 200 रुपए के ट्रांजेक्शन तुम कर सकते हो, तुम्हें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। तीसरा फीचर जो इन्होंने लॉन्च किया बोले यूपीआई 123। बोले क्या? अरे स्मार्टफोन भी नहीं चाहिए। गांव का आदमी बोले मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं कैसे करूं? बोले फोन की भी जरूरत नहीं है, यूपीआई में 123 करके उस नंबर पे मिस कॉल मार देना, वहीं से पैसे कट जाएंगे, वहीं से पैसे पहुंच जाएंगे। अभी फीचर है तो 2020 से बहुत सारे लोग काम में नहीं ले रहे, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग काम में लेंगे। यूपीआई ऑटो पे, ये क्या होता है, मेरे को नेटफ्लिक्स का पेमेंट करना है, यूपीआई से लिंक करके यूपीआई से हमेशा होता रहेगा, बैंक का ईएमआई है होती रहेगी भाई साहब। कुछ भी तरह का ऑटो पे करना है जो मंथली इंस्टॉलमेंट जानी है, यूपीआई के माध्यम से जा सकती है। यूपीआई सब अच्छा इच्छा है, खराब नहीं है। सर खराब यह है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से इसको डेवलप किया था ना, कि यूपीआई में ये वाली चीजें हम करेंगे, ये तो उससे कई गुना तेजी से फैल, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कुछ काम करना बाकी है और उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना भी यूपीआई को स्मूथ होने में थोड़ा टाइम और लगेगा। तीसरा, अभी इसको यूपीआई को जनता ने बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया, क्योंकि ये चीज फ्री थी और उसकी कन्वीनियंट थी, लेकिन अभी भी बैंक्स वगैरह जो है इसको खुल के प्रमोट नहीं कर रही, क्योंकि बैंक्स के लिए कोई फायदा तो मिल नहीं रहा। पहले तो क्या कहीं ना कहीं से कुछ कुछ मिल जाता है, तो क्या प्रचार करने में अच्छा लगता है कि कुछ फैलाएंगे तो कमाई होगी। अब बैंक के लिए कमाई वमाई तो हो नहीं रही, 0% MDR है, कुछ मिलता तो है नहीं, तो क्यों करें। तो अभी खुल के प्रमोशन का हो नहीं रहा। अगर इस पर छोटा मोटा फीचर कुछ लगा दिया, 10-20 रुपए की कमाई या गवर्नमेंट ने कुछ जुगाड़ कर दिया, फिर देखना कैसे रॉकेट बनता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी राहुल जी की, और इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह की वीडियोस ही हमेशा लाते ही रहते हैं। और यूपीआई की बात करें तो अमेरिका तो जलेगा ही, क्योंकि इतनी तेजी से और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आरबीआई ने वर्कआउट कर ली है, तो वो तो चलेगा ही। और मास्टर कार्ड और वीजा वाले भी, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग फीस अब कम होगी, क्योंकि जब यूपीआई में कोई फीस ही नहीं लगती है तो मर्चेंट और कस्टमर दोनों ही यूपीआई यूज़ करने लगे हैं, और जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो भी क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा, और फीस भी नहीं है, तो वीज़ा और मास्टर कार्ड की तो रेवेन्यू कम होगी, तो उनकी भी चलेगी। और जहाँ तक बात रही बैंक्स की, तो क्योंकि उनको अभी तो रेवेन्यू मिल रहा है फीस के बदले, तो वो भी इतना प्रमोट नहीं करेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है तो कुछ स्टेप्स लेती है और बैंक को कन्विंस करती है तो वो भी उसको इस्तेमाल और प्रमोट करने में लगेगी। और जो एक अच्छी बात है कि आरबीआई ने जो फीडबैक है उस हिसाब से उन्होंने इसमें चेंजेस भी किए हैं, और जो फीचर्स कस्टमर चाहते थे कि आए तो वो भी आरबीआई ऐड कर रहा है, और जो जिसमें खराबी है उस पर भी काम कर रहा है, और जो ग्लोबलाइजेशन करना चाहता है तो उसके लिए हमें ये सब फीचर्स चाहिए भी, और जो पूरा टेक है वो भी एकदम सॉलिड होना चाहिए ताकि हम ग्लोबली इसको पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में इसको फैला सके। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।